स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए YouTube चैनल में, एक नए चेहरे के साथ, एक हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के बीच छोटी सी बात कहना चाहूँगा उससे पहले मैं आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर क्यों गया हूँ। जैसा कल मैंने दिखाया था अपना घर, तो इस पे अभी जो दीवार पे व्हाइट पेंट दिख रही है, सिर्फ व्हाइट सीमेंट लगाया है, कलर नहीं किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों गया हूँ, यहाँ पर मैंने कल आपको घर भी दिखाया था अपना, और यहाँ पर मैं गया हूँ, सोयाबीन लगाई हुई है, तो सोयाबीन में तोते हाँकने के लिए गया हूँ। आज मेरा तोते हाँकने के लिए आने के लिए ये चौथा दिन है और वीडियो आज मेरी ये दूसरी है। और आज मैं बात कहूँगा कि यार, आपने ना अगर कोई चीज़ सोची है, जैसे मैंने सोचा कि मैं YouTube के लिए कंटेंट बनाऊंगा, तो पिछले कुछ एक दो साल से मैं जो है कंटेंट बना तो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे समय ही नहीं हो पा रहा था और ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूं और कैसे स्टार्ट करूं। तो अभी मैंने सोचा कि अगर मेरे माइंड में अगर कंटेंट है भी नहीं, तो मैं फ़िलहाल इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कंटेंट है, काफ़ी कंटेंट है, लेकिन समय नहीं मिल पाता उसके लिए। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया वीडियो में कि पहले हमारा ये वाला घर बना 2023 में, वैसे बना पहले था इसका प्लास्टर और इसमें जो ये वाइट सीमेंट वगैरह वगैरह लगा, ये लगा, और उसके बाद एक हमारे ताऊ जी का घर था वहाँ पर मैं लगा हुआ हूँ, और वहाँ पर भी 2-4 दिन में लेंटर की तैयारी है। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो वैसे तो जितने भी लोग देख रहे होंगे वो या तो YouTube पर वीडियोस बनाते होंगे, स्टार्टिंग की होगी, या वो वीडियो नहीं बनाते होंगे, YouTube पर वैसे वीडियो देखते होंगे। तो आज YouTube क्या है, एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं, मतलब ऐसा है कि ना काम कर रहे हैं, और एक मतलब युवाओं को एक नई दिशा मिल रही है YouTube से, एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे कि हमारे पहाड़ के युवा भी जो है वो काफ़ी इस चीज पर फोकस हैं, और वो अपने अपने पहाड़ से अपने अपने रीति रिवाज, अपने यहाँ के कल्चर और इस तरह की वो जिंदगी जी रहे हैं, वो वीडियोस बना के YouTube पर डाल रहे हैं और उसको दुनिया देख रही है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, भले ही मैंने काम स्टार्ट किया है, अगर आपने भी किया है, नया ही कोई यूट्यूबर इसको देख रहा होगा, नया ही जो जिसने नए नए चैनल बनाए होंगे कोई मेरी वीडियो को देख रहा होगा, कोई मिलियनर तो मेरी वीडियो को देख नहीं रहा होगा, क्योंकि आज मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना, बस स्टार्ट कर दो। मैं भी पहले यही सोचता था, इस वीडियो से भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरी वीडियो कौन देखेगा, ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो सब देखें, ज़रूरी नहीं कि इस पर लाखों व्यूज़ आए, कम से कम हमें पता तो चलेगा कि हम किस लायक हैं, यानी कि हमने शुरुआत की है, अगर हमारे चैनल पर व्यूज या सब्सक्राइबर या कमेंट जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो इस पर गलती किसकी है, हमारी है। क्यों हमारी गलती है, क्योंकि हमारी कंटेंट में जान नहीं है, इसलिए। दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे तुरंत सब्सक्राइब मत करें, मुझे एक सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे एक परिवार का सदस्य चाहिए। जब तक आप मुझे पूरी तरह नहीं जानोगे, तब तक आप मेरे चैनल की सदस्यता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं एक नया कंटेंट जो है वो यूट्यूब के माध्यम से ला सकता हूँ, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, तब आप मेरी चैनल की सदस्यता लें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि आपके कमेंट से मुझे जो है पता चलेगा कि मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ। सो
अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, फिर से मिलेंगे, क्योंकि सोचा तो बहुत कुछ है माइंड में, सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन किस टाइम बोलनी है। तो धीरे धीरे सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब कैमरा से दोस्ती हो जाएगी तो वीडियो तो जाहिर सी बात है अच्छी बनेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबको फिर से किसी अन्य वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।